व्हाई साउथ इंडियन मूवीज डूइंग सो वेल, इसका पूरा एक्सप्लेन मैं करूंगा इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में किसी तरह का हेट नहीं कर रहा हूँ किसी भी इंडस्ट्री को, ओके। बस मैं आपको वो डिफरेंस बताऊंगा क्यों बॉलीवुड वो ना अचीव कर पाया साउथ इंडियन इंडस्ट्री कर रही है, ओके। तो अभी तक जो भी हमारी मूवीज बनती थी, मेनली तो बॉलीवुड ही है हमारा मेन फेस जो है इंडियन सिनेमा का अभी तक जो था वो। इसलिए अभी तक अगर आप किसी भी रिएक्शन देख लो किसी का भी किसी भी देश में, तो मैक्सिमम लोग हमारे सिनेमा को इसी चीज़ से जानते थे कि हमारा म्यूज़िक अच्छा है, हम लोगों का जो डांस होता है मूवीज़ में वो अलग होता है, मतलब हम हर सिचुएशन पे एक म्यूज़िक देते हैं, हमारे कल्चर। और कई जगह पे उनको लगता था ये एक लिमिट में रह के ही काम कर सकते हैं, ये हॉलीवुड या अदर इंडस्ट्री की तरह नहीं बन सकता। बाकी के आपके पास में मोबाइल है, आप अभी अगर जाके सारे रिव्यूज चेक करोगे बाहुबली से पहले के, तो आपको पता लग जाएगा हमारी इंडियन सिनेमा का फेस बिफोर बाहुबली क्या था और आफ्टर बाहुबली, आफ्टर साउथ इंडियन मूवीज डूइंग सो वेल, पूरी दुनिया में आज हमारी इंडियन सिनेमा का फेस क्या बन चुका है, क्या रिस्पेक्ट बन चुकी है। पहले के रिएक्शन होते थे सिर्फ सॉन्ग पर होते थे, बस ट्रेलर पे करते थे और एक आधा फाइट सीन होता था उस पर कर देते थे, बट उससे आगे नहीं होता था। ओके, आप बाहर के लोगों के रिएक्शन को छोड़ो, इवन अगर आप इंडियन जो यूट्यूबर हैं जितने भी व्लॉगर हैं अगर आप उनके भी चैनल पे जाकर चेक करो, तो एक इंडियन मूवी जब आती है तो उसके ऊपर एक ही वीडियो बनाएंगे, एक उसके ट्रेलर का बना देंगे, बाकी एक बना देंगे उसकी फुल मूवी का रिव्यू, बस उसके आगे कुछ नहीं बनाते। बट सेम टाइम पे अगर हॉलीवुड की मार्वल डीसी या कोई भी मूवी ऐसे आती है पर्दे पे सिनेमाघरों में, तो उसके ऊपर वो लगभग तीन तीन चार चार वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक को चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली मूवीज, थोड़ा हट के, मतलब जिसमें इमोशनल एक्शन सब कुछ ड्रामा वगैरह सब कुछ हो, ऑडियंस वही चाहती है, एक्शन पूरा चाहती है। सिर्फ रोमांटिक मूवीज ये सब पहले के टाइम पे ही एक लिमिट होता था, आजकल ऑडियंस काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें देखना पसंद करती है। यही रीज़न है कि शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार की मूवीज़ भी आजकल फ्लॉप हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम उनकी मूवीज़ जो अभी फ्लॉप हो रही हैं हाल के दिनों में वो रोमांटिक मूवीज़ ही हैं, मीन्स एक लव स्टोरी वाली मूवीज़। ऐसा नहीं है कि वो क्रिएटिव नहीं है, बॉलीवुड में अक्षय कुमार, आमिर खान और शाहरुख खान ही ऐसे एक्टर हैं जो क्रिएटिव हैं। और जो सुपर हीरोज मूवी होती हैं, मार्वल हो गई, डीसी हो गई, इन पर सभी यूट्यूबर ब्लॉगर कई कई वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ऑडियंस भी फिर भर भर के उस पर व्यू देती है, इसलिए वो खुद की इंडियन मूवी पर ज़्यादा वीडियो बनाते ही नहीं हैं। बट जब से राजा मौली ने एंट्री की है तब से उन्होंने एक लेवल बना दिया है, एक रिस्पेक्ट बना दी है दुनिया भर में इंडियन सिनेमा की, मतलब साउथ इंडियन सिनेमा की वजह से ही आज इंडियन सिनेमा का एक अलग ही फेस बन गया है दुनिया में, एक रिस्पेक्टेबल फेस बन गया है कि इंडियन सिनेमा में क्रिएटिव पर्सन आ चुके हैं, विजुअल इफेक्ट अच्छे आने लगे हैं, एक्शन हाई लेवल के हो गए हैं, स्टोरी उनकी अच्छी है, फाइटिंग सीन आप देखोगे तो इनक्रेडिबल हैं, इनसेन कैरेक्टर हैं। आप अभी जाके अगर चेक कर लोगे तो किसी भी कंट्री के, चाहे कोरिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, चाइनीज़ हो, किसी भी तरह के किसी भी कंट्री के अगर आप रिव्यू चेक करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिएक्शन मिलेंगे। ये नहीं कि वो बस अपने चैनल के लिए वो रिएक्शन दे रहे हैं, जेन्युइन रिएक्शन आपको मिलेंगे, और वो बाहुबली मूवीज़ के ज़्यादा होंगे, RRR के होंगे, बाहुबली 2 होंगे, KGF के चैप्टर 1 और 2, सिनेमाटोग्राफी एवरीथिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है और बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इन मूवीज़ की वजह से इंडियन सिनेमा को। मैंने खुद एक अंग्रेज की वीडियो देखी जिसमें वो बंदा बोल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन मूवीज़ अभी तक लग चुकी हैं सिनेमाघरों में, बट जो क्रेज़ बाहुबली के बाद RRR और KGF ने किया है वो किसी मूवी ने नहीं किया अभी तक इंडियन मूवी हिस्ट्री में, मतलब। और ये मैं बात कर रहा हूँ RRR की,
और उसके बाद उसने यही सेम बात KGF के लिए भी बोली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड सिनेमा बेकार या कुछ भी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी सी मूवी दी हैं, पर अभी तक अगर आप देखोगे तो वो एक लिमिटेड फ्रेम में हैं। उन्होंने अपने आप को एक लिमिटेड फ्रेम में रखा हुआ है अभी तक। वो घूम फिर के एक रोमांटिक मूवी में ही आ रहे हैं। उनकी मूवीज़ के बजट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जो आउटपुट निकल रहा है वो इतना अच्छा नहीं निकल रहा जितना साउथ इंडियन मूवीज़ निकाल रही हैं। बॉलीवुड की कई मूवीज़ से कम बजट की मूवीज़ साउथ इंडियन मूवीज़ में बनती हैं और काफ़ी अच्छा आउटपुट निकलता है बिकॉज ऑफ द स्टोरी। उनकी स्टोरी ही इतनी अच्छी है, उनके जो करैक्टर वो इतने स्ट्रोंग बनाते हैं। राजा मौली और प्रशांत नील, इन दो बंदों ने ये बात साबित कर दी है कि इंडियन लोग भी काफ़ी क्रिएटिव हैं और वो काफ़ी नई चीज़ें कर सकते हैं। और हाँ, इंडियन सिनेमा में एक चीज़ की जो बहुत ज़्यादा कमी थी वो थी एक यूनिवर्स की। जैसे DC के पास, मार्वल के पास अपना अपना एक यूनिवर्स है, लोग चाहकर भी उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते। उनको हर मूवी में हर कैरेक्टर अच्छा लगता है और हर कैरेक्टर वैल्यूबल लगता है और ऑडियंस का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है हर कैरेक्टर में, क्योंकि उनको मालूम है ये जो कैरेक्टर इस मूवी में है ये मार्वल की किसी ना किसी या DC की किसी ना किसी मूवी में ज़रूर बाद में दिखाया जाएगा और ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगा। इससे ये होता है कि ऑडियंस बंधी रहती है और ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, हर एक चीज़ की बारीकी समझती है और वैल्यू देती है आपकी हार्डवर्क को, आपकी स्टोरी को जो आप उनको प्रेजेंट कर रहे हो। और इंडियन सिनेमा में वो चीज़ नहीं थी, बट रोहित शेट्टी ने अपना एक यूनिवर्स चालू किया है, वो एक कोप यूनिवर्स है, और इधर प्रशांत नील ने अपना एक यूनिवर्स अब चालू कर दिया है, KGF का यूनिवर्स, जिसमें KGF चैप्टर 1 आ चुकी है, 2 आ चुकी है, अब सलार आ जाएगी, उसके बाद फिर KGF चैप्टर 3 की शूटिंग भी चालू हो जाएगी और उसके बाद बगीरा है और भी कई सारी मूवीज़ आने वाली हैं और ये एक यूनिवर्स बनने वाला है। तो अब इसमें मज़ा आएगा, अब इंडियन सिनेमा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी वर्ल्ड सिनेमा में। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।